खारिज होने पर उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। मध्य प्रदेश के दतिया में घटित हुई घटना को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुआवजे का बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दतिया में यूपी के मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही अखिलेश यादव ने पूरी घटना को लेकर अपनी शोक संवेदना भी व्यक्त की है। दरअसल मध्य प्रदेश के दतिया में माता के मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे थे, लेकिन वहां पर एक अफवाह उड़ी कि वहां पर पुल टूट गया है। अफवाह के बाद ही वहां पर मौजूद लोगों के बीच भगदड़ मच गई, जिसके बाद 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने मृतकों के परिजनों को 1.5-1.5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही न्यायिक जांच के लिए एक टीम गठित करने की भी घोषणा की है। अब इस पूरे मसले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दतिया में उत्तर प्रदेश के मारे गए लोगों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि यह घटना बहुत ही दुखद रही है। मध्य प्रदेश के दतिया में घटित हुई घटना को लेकर सियासत भी लगातार जारी है। कांग्रेस पहले ही वहां पर घटित हुई घटना को लेकर वहां की मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहरा चुकी है। अब सूत्रों का ये भी दावा है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी घटनास्थल का दौरा कर सकते हैं। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के बैरवी एजेंट सिंह ने पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर को बुलाकर लात घुसा पिटाई कर दी। पीड़ित डॉक्टर थाने जाकर तहरीर तो दे दी, लेकिन मामला अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के बैरवी एजेंट सिंह यादव अपने आवास फ्रेंड्स कॉलोनी पर अपने ही पड़ोसी डॉक्टर पवन प्रताप सिंह को उनके घर से बुलाकर लात घूसों से पिटाई कर दी। डॉक्टर पवन प्रताप सिंह एजेंट सिंह यादव के पड़ोस में रहने वाले पूर्व सांसद राम सिंह शाह के मकान में किराए पर रहते हैं। यह घटना शाम के वक्त की है, जब डॉक्टर अपने घर में बैठकर चाय पी रहे थे। डॉक्टर का कसूर केवल इतना था कि उसकी गाड़ी अजंत सिंह के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई थी, जिस पर अजंत सिंह ने उसकी गाड़ी भी तोड़ डाली। पीड़ित डॉक्टर अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचा तो पुलिस ने डॉक्टर को जिला अस्पताल डॉक्टरी कराने को भेज दिया। वहीं डॉक्टर का कहना है कि अभी तक हमारी FIR तक दर्ज नहीं हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उस डॉक्टर की FIR दर्ज होती है या मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से आई सपा सरकार के मुख्यमंत्री अखिलेश के फूफा की दबंगई पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। पूर्व सांसद राम सिंह शाकी के घर किराए पर रह रहे चिकित्सा अधीक्षक पवन प्रताप सिंह को सपा के गुंडों ने मुलायम के जीजा अजंत सिंह यादव के घर बुलाकर उनके सामने लात घूसों से जमकर पीटा। डॉक्टर का आरोप है कि उनका कसूर सिर्फ इतना था कि डॉक्टर ने अपनी कार जीजा के मकान के पास अपने गेट के सामने खड़ी कर दी थी, जिसके बाद उनके मकान की शोभा घट रही थी। उनके मुताबिक जिससे उनके मकान की शोभा घट रही थी, डॉक्टर जीजा जीजा कहकर गुंडों से बचाने के लिए गड़गड़ाता रहा, लेकिन जीजा के गुंडों ने डॉक्टर की कार को भी चकनाचूर कर दिया। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं विपक्षियों ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। 18 अक्टूबर को प्रस्तावित संकल्प रैली के चलते अयोध्या एक बार फिर से छावनी में तब्दील हो गई है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रस्तावित संकल्प रैली पर सरकार ने रोक लगा दी है। 84 कोसी और पंच कोसी परिक्रमा के बाद सरकार ने विश्व हिंदू परिषद की 18 अक्टूबर को प्रस्तावित राम मंदिर निर्माण के लिए रखी गई संकल्प रैली पर रोक लगा दी है, जिससे सूबे में सियासत गरमाने लगी है। गौरतलब है कि संकल्प दिवस में विश्व हिंदू परिषद अपने कार्यकर्ताओं को अयोध्या बुलाकर गुजरात के सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का संकल्प दिलाना चाहती है। सरकार द्वारा रोक लगाए जाने के बाद भी BHP संकल्प दिवस पर कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाने की पूरी कोशिश करेगा, जिसको देखते हुए प्रशासन द्वारा अयोध्या में भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। फिलहाल यूपी सरकार किसी भी तरह से विश्व हिंदू परिषद को अयोध्या नहीं पहुंचने देना चाहती है, तभी तो विश्व हिंदू परिषद की पंच कोसी और 84 कोसी परिक्रमा के बाद अब संकल्प दिवस पर भी रोक लगा दी गई है। फर्जी पासपोर्ट के आरोप में फंसे बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को CBI की देहरादून कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर तय की है। आपको बता दें कि आचार्य बालकृष्ण पर CBI ने फर्जी पासपोर्ट का मामला दर्ज कर देहरादून की CBI की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई लगातार चल रही है। इस मामले में कोर्ट ने आचार्य बालकृष्ण और आचार्य नरेश द्विवेदी पर आरोप तय किए थे। इस मामले में कोर्ट ने आचार्य बालकृष्ण और आचार्य नरेश द्विवेदी पर आरोप तय होने थे, लेकिन आज कोर्ट में आरोप तय नहीं हो पाए। कोर्ट में पेश होने के बाद मीडिया से बात करते हुए आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि CBI ने उन पर झूठा मामला दर्ज किया है, जिसका वह कोर्ट में अपना जवाब देंगे और उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा। आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि गुरु शंकरदेव की गुमशुदगी के मामले में CBI की टीम योग गुरु बाबा रामदेव और उन्हें परेशान कर रही है। कानपुर में 19 अक्टूबर को होने वाली मोदी की रैली के पहले पूरे शहर को बैनर और पोस्टरों से फाड़ दिया गया। वहीं मोदी पोस्टरों में राम की वेशभूषा में भी नजर आए।
लोकसभा चुनाव से पहले जहां सभी राजनीतिक दल तैयारी में लगे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को लेकर काफी उत्साहित है, जिसके चलते 19 अक्टूबर को होने वाली नरेंद्र मोदी की रैली के पहले बड़े बड़े पोस्टर और बैनरों से पाट दिया गया है। लेकिन एक पोस्टर ने पार्टी को ही नहीं बल्कि मोदी को चर्चा का विषय बना दिया है, जिसमें मोदी को भगवान की राम की पोशाक में और धनुष बाण लेकर रावण को मारते हुए दर्शाया गया है। साथ ही भ्रष्टाचार, बलात्कार, बेरोजगारी भी दर्शाई गई है। जहां एक तरफ मोदी की रैली को लेकर जनता की माने तो देश की वर्तमान हालत को कोई भी प्रधानमंत्री इतनी जल्दी सुधार नहीं पाएगा, चाहे वो फिर नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कानपुर में होने वाली नरेंद्र मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। इतना ही नहीं, रैली में अत्याधुनिक संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है, यानी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के भाषण को आप टेलीफोन पर सुन सकते हैं। वहीं बीजेपी के नेता सोशल साइट, SMS और फेसबुक के जरिए भी रैली को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कानपुर में होने वाली नरेंद्र मोदी की रैली के संदर्भ में लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। इस रैली को कैसे ऐतिहासिक बनाया जाए, इसलिए पार्टी एवी चोटी का जोर लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की माने तो नरेंद्र भाई मोदी की 19 अक्टूबर को कानपुर में होने वाली रैली अभूतपूर्व होगी। रैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह व प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे और उत्तर प्रदेश से पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में शामिल सभी लोग मेजबान की भूमिका में रहेंगे। रैली का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवाद और विकास होगा। वाजपेयी की माने तो रैली को अभूतपूर्व बनाने के लिए पार्टी के कानपुर क्षेत्र का संगठन और कानपुर महानगर इकाई द्वारा व्यापक स्तर पर साधन संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है। इस रैली की शुरुआत कानपुर से किए जाने पर उन्होंने कहा कि कानपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले समाजवादी पार्टी के मुखिया के पैतृक गढ़ हैं, इसलिए रैलियों की शुरुआत हम कानपुर क्षेत्र से करके क्षेत्र की सभी लोकसभा सीटों पर विजयी होने का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की माने तो नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी रैली करेंगे उन रैलियों को आम आदमी टेलीफोन पर सुन सकता है। और बीजेपी ने एक नंबर भी जारी किया है जिस पर मिस कॉल मारने से नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों की जानकारी मिल सकती है। कुल मिलाकर बीजेपी नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश में हर हाल में सफल करना चाहती है। आखिरकार चिट्ठी बम की जद में आए प्रमुख सचिव गृह RM श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश सरकार ने आज उन पर गाज गिराते हुए उनको प्रमुख सचिव गृह के पद से हटा दिया। इस पद पे अनिल गुप्ता को तैनात कर दिया गया। सचिव गृह सर्वेश मिश्रा के बाद अब प्रमुख सचिव गृह RM श्रीवास्तव को उनके पद से हटा दिया गया है। 1969 बैच के IAS अनिल गुप्ता को नया प्रमुख सचिव गृह बना दिया गया है। अनिल गुप्ता ने समाचार प्लस से खास बातचीत करते हुए कहा कि वो अपने दायित्व का पूरा निर्वाह करेंगे, जिसके चलते कानून व्यवस्था सुधरेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अभी भी कोई खास बुरी नहीं है। अयोध्या के मामले में एक विवादित चिट्ठी गृह विभाग से जारी हुई, जिसके बाद गृह विभाग के काफी अधिकारियों का स्थानांतरण और निलंबन होता चला आया। सबसे पहले सचिव गृह सर्वेश मिश्रा का और अनुभाग अधिकारी प्रेम नारायण पांडे का हुआ। उसके बाद आज प्रमुख सचिव गृह RM श्रीवास्तव को भी पद से हटा दिया गया। प्रमुख सचिव गृह RM श्रीवास्तव के कार्यकाल में 100 से भी ज्यादा दंगे हो चुके हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश की काफी खराब हो चुकी थी। ट्रक और ट्रॉली की भिड़ंत में गई कई मासूम जाने। मामला लखनऊ के मलिहाबाद इलाके का है, जहां आज सुबह ट्रक और ट्रॉली की भिड़ंत में 10 लोगों की मौत हो गई और फिलहाल 10 लोग जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। ट्रक और ट्रॉली की भीड़ चढ़ी मासूम जाने। जी हां, मामला लखनऊ के मलिहाबाद इलाके का है, जहां आज सुबह हरदोई जा रही एक ट्रक जिसमें कुंटलों गेहूं लदा था और लखनऊ से हरदोई आ रही एक डाला जिसमें तकरीबन 20 लोग सवार थे आपस में भिड़ गए, जहां ये हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही 10 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद बाकी 10 घायलों को त्वरित कार्रवाई करते हुए लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनका इलाज अभी जारी है और हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है और उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है।
उत्तराखंड में पंचायती राज चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जी हाँ, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शासन को जो चुनाव का प्रस्ताव भेजा गया था उसे मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। ऐसे में प्रदेश में पंचायती राज चुनाव दिसंबर के अंतिम हफ्ते में होंगे। वहीं चुनाव तीन चरणों में कराने की तैयारी है सरकार की। उत्तराखंड में पंचायती राज चुनाव को कराने की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। लगभग 6 महीने लेट हो रहे यह चुनाव अब दिसंबर माह में 3 चरणों में कराए जाएंगे। आयोग द्वारा जो तिथि राज्य सरकार को मंजूरी के लिए सौंपी गई थी उस पर मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद शासन ने प्रस्ताव को वापस राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया है। प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश में 3 चरणों में चुनाव होंगे, जिसमें प्रथम चरण का मतदान 24 दिसंबर, दूसरे चरण का मतदान 28 दिसंबर और तीसरे चरण का मतदान 31 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। वहीं 4 जनवरी को 12 जिलों में चुनावों की मतगणना कर ली जाएगी। वहीं नामांकन की प्रक्रिया 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक की जाएगी। वहीं नाम वापसी 9 दिसंबर तक हो सकेंगे। वहीं 12 जिलों में चुनाव 3 चरणों में ही संपन्न कराए जाएंगे। आपको बता दें कि आज ही प्रदेश में जिला पंचायत का कार्यकाल खत्म हुआ है। ऐसे में शासन द्वारा आयोग को कार्यक्रम भेज दिए जाने के बाद यह तय हो गया है कि सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम में आयोग चुनाव कराएगा। वहीं शासन द्वारा पंचायत चुनाव की अधिसूचना 20 नवंबर को, आयोग द्वारा अधिसूचना 21 नवंबर को जारी करेगा। हालांकि जैसे ही प्रदेश में कार्यक्रम घोषित किया जाएगा, प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। वहीं प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार शासन का भेजा प्रस्ताव उन्हें मिल गया है और जल्द ही इसकी तिथि घोषित कर दी जाएगी। साल 2005 में हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में आखिरकार कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। देहरादून की एडीजे फर्स्ट कोर्ट ने इस मामले में चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि तंत्र मंत्र के नाम पर देहरादून की महिला के साथ जून 2005 में 5 आरोपियों ने बलात्कार किया था। देहरादून में तंत्र मंत्र के नाम पर युवती के साथ गैंगरेप के 4 आरोपी तांत्रिकों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि मामले में 5वें आरोपी के नाबालिग होने के कारण जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में मामला विचाराधीन है। आपको बता दें कि साल 2005 में तंत्र मंत्र से समस्याओं के समाधान के नाम पर युवती से सामूहिक बलात्कार करने वाले 4 कथित आरोपियों को शुक्रवार को अपर जिला जज अमित सिरोही की कोर्ट ने दोषी करार दिया था और इस मामले में मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना लगाया है। आरोपी मोतीलाल, सुभाष कुमार, मक्खन लाल और राजू राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं। वहीं मामले के 5वें आरोपी के नाबालिग होने के कारण जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में मामला अभी विचाराधीन है। वहीं कोर्ट से फैसला आने के बाद पीड़ित पक्ष खुश है तो वहीं आरोपी मामले में ऊपरी अदालत में अपील करने की बात भी कह रहे हैं। वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपर जिला जज ने कहा है कि एक महिला को तंत्र मंत्र के नाम पर सम्मोहित करके उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने की घटना जघन्य अपराध में आती है और ऐसे में ऐसी घटनाओं में तुरंत फैसले देने से समाज में ऐसे जघन्य अपराधों के खिलाफ रोकथाम भी होगी। उत्तराखंड भाजपा में गुटबाजी और अंतरंगता थमने का नाम नहीं ले रही है। नेता विपक्ष अजय भट्ट पहले ही संगठन में दागियों की एंट्री पर सवाल उठा चुके हैं और अब महानगर महिला मोर्चा के अध्यक्ष पद के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जहां उत्तराखंड की विपक्षी बीजेपी में अंतर कलह और गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। ताजा मामला महानगर महिला मोर्चा के अध्यक्ष पद का है, जिस पर पूर्व में उषा लखेड़ा को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें हटाकर कंचन ठाकुर को इस पद पर बैठा दिया गया, जिसके बाद राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुशीला बलूर के नेतृत्व में बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी महानगर अध्यक्ष नीलम सहगल का कहना है कि उनको विश्वास में लिए बगैर और पार्टी संविधान के खिलाफ ऐसा किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत भी आमने सामने थे, जिसके बाद पार्टी हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष पद का चुनाव स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद नेता विपक्ष ने संगठन में दागियों की एंट्री पर भी सवाल खड़े किए थे। बीजेपी की अंदरूनी सिर्फ फुटबॉल सड़कों पर आ गई है, लेकिन पार्टी के प्रदेश महामंत्री प्रकाश पंत का कहना है कि ये पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है। उनका कहना है कि अगर मामले में कहीं कोई दिक्कत है तो बातचीत से सुलझा लिया जाएगा, लेकिन पार्टी के अंदर कोई भी अंतर्कलह नहीं है। अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर नैनीताल जिले के सैकड़ों फील्ड कर्मचारी गए कार्मिक अनशन पर। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के आह्वान पर नैनीताल जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्राम्य विकास विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग समेत ऑडिट के कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हैं। कर्मचारियों की प्रमुख मांगे हैं कि फील्ड कर्मचारियों को अपने कार्यकाल में 3 पदोन्नतियां दी जाएं, साथ ही वेतन विसंगति समेत कुल 22 मांगे और भी हैं। कर्मचारियों के क्रमिक अनशन पर रहने के चलते जिले में कई सरकारी विभागों में कामकाज भी प्रभावित रहा। साथ ही कर्मचारियों ने चेतावनी दी है, अगर मांगे पूरी नहीं हुई
तो आने वाले गुरुवार से समस्त फील्ड कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे। नोएडा के बोटानिकल गार्डन पर आज ऑटो चालकों ने जमकर हंगामा किया। ऑटो चालकों का कहना है कि पुलिस स्टैंड पर ऑटो खड़ा करने को लेकर उनसे अवैध रूप से पैसे मांगती है। नोएडा के बोटानिकल गार्डन पर आज ऑटो चालकों ने स्ट्राइक रखी, जिसकी वजह से बोटानिकल गार्डन से जाने वाले यात्रियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। ऑटो चालकों की माने तो उन्होंने ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर